आओगे मटन अठे तो हो जाओगे अठे कठे। तो ये भैया क्या चीज डाल रहे हो? ये बकरे का एंटीना है सर। मर्द को ये चीज ज्यादा पसंद होता है, मर्द का मर्द ही खा सकता है। ये देसी घी में बनता है, बगैर पानी का बनता है। यहाँ जो खाते हैं ना लोग, वो एक बार में बता देंगे क्या बनाए हो नहीं। मेरे बारे में आप किसी भी दुकान में पूछ लीजिएगा, जितना भी शॉप है मटन का, माँ भोजनालय क्या चीज लेता है वो बता। और मेरा जो भी आप सामान आप देख रहे होंगे वो सब कुछ कंपनी का ही, कोई लोकल कंपनी का नहीं। दिल्ली बॉम्बे इधर उधर तो फ्लाइट में कितना जगह चला गया कोई पता ही। मसाला कितना भी अच्छा डाल दे मगर अगर मीट अच्छा नहीं होगा तो वो मीट अच्छा बने। आजकल तो लोग बड़ा बड़ा बिजनेस एमबीए करके खोल रहे हैं। मैं 10th पास है। 10th फेल तो ऑफिसर बन जाते हैं। 10th फेल नेता लोग भी बनते हैं। बिहार में बहुत लोग हैं ऐसे। तो मैंने सुना धोनी जी का घर भी पास में है यहाँ पे। मेरा फर्स्ट वाला प्लॉट है, उनका लास्ट वाला प्लॉट। हम चाहते हैं कि वो एक बार आ जाए, छाती चौड़ा हो जाए। भैया क्या बनने जा रहे हैं यहाँ पे? देवघर का फेमस मटन अठे है सर। तो भाई अमूल का देखते तो देसी घी यहाँ पे आ चुका है और कितने बड़े कंटेनर से यहाँ पे देसी घी डाला जा रहा है। तो कितना किलो बन जाता है यहाँ पे मटन अठे? रोज 5 किलो 50 किलो 50-60 किलो बनता है यहाँ पे। तो क्या क्या जाएगा इसमें? बड़ी इलायची है, सहजीरा है, लौंग है, चीनी है, जायत्री है, कबाब चीनी है, सफेद गोलकी है, इलायची छोटी है, सौंठ है, जीरा है, स्टार फूल है। तो इतने सारे खड़े मसाले जाएंगे इसमें? हाँ, इतने सारे जाएंगे। तो अब इसको अच्छे से भून लिया जाएगा यहाँ। तो भैया इसके बाद क्या डालेंगे इसमें? बस अब मटन जाएगा इसमें। तो देख सकते हो हमारा कितनी ज्यादा क्वांटिटी में मटन यहाँ पे आ चुका है। एक साथ में 25 किलो तक बनता है भैया। ये मटन भूनने में कितना टाइम लगता है? 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा। तो आधा घंटा हो चुका है, मटन हमारा अच्छे से भून लिया गया है। ऊपर से आप देखते हो प्याज यहाँ पे डाला जा रहा है। भैया ऐसे प्याज कच्चा नहीं रह जाता? नहीं सर, ऊपर से अब यहाँ पे नमक डाला जा रहा है। भैया कहाँ से सीखा आपने बनाना? ये घर से सीखे हुए भैया। तो इसके अलावा और क्या क्या मिलता है खाने के लिए यहाँ पे? मटन है, चिकन है, मछली है, अंडा है, वेज खाना है, पनीर है, मशरूम है। तो आधे से एक घंटा यहाँ पे हो चुका है भैया, नेक्स्ट क्या डालेंगे? हरी मिर्ची है, लहसुन है। तो भैया कुटी कुटी रहती है ये? कूट के डालते हैं। तो भैया किसमें कूटते हैं ये? उखल में कूटते हैं। उखल में कूटते हैं। और नेक्स्ट आप देखो तो लहसुन यहाँ पे डाला जाता है, जो टेस्ट है काफी ज्यादा बढ़िया आता है। मटन हमारा गलना स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट क्या डालेंगे भैया? हल्दी डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला जा रहा है। भैया लोग कहाँ कहाँ से आते हैं मटन खाने के लिए यहाँ पे? दूर दूर से आते हैं आदमी, पूरे रांची से आते हैं खाने के लिए। एक बार जो खाएंगे वो बार बार आएंगे। तो ऐसा क्या मिलाता है कि लोग इतना पसंद करते हैं यहाँ पे आपका हांडी? ये देसी घी में बनता है, बगैर पानी का बनता है। तो नेक्स्ट क्या डाल रहे भैया? ये जीरा है। तो ये आ गया भाई जीरा पाउडर। नेक्स्ट क्या डाल रहे भैया? ये धनिया पाउडर है। तो ये मटन से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, खुशबू देख देख के आदमी सुन सुन के आ जाते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली जा रही है। तो भैया रंगत बढ़िया आती है इससे। तो मसाले सब डाल चुके हैं भैया, नेक्स्ट क्या डालेंगे? एक कलेजी है। तो लगभग देखो 1.5 घंटा हो चुका है, मटन हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। ऊपर से क्या डालेंगे? गरम मसाला डाल। तो ये भैया क्या चीज डाल रहे हो? ये बकरे का एंटीना है सर। तो भैया बकरा क्यों डालते हैं उसमें? मर्द को ये चीज ज्यादा पसंद होता है, मर्द का मर्द ही खा सकता है इसको। अब इसमें ये जा रहा है एंटीना। तो ये देख सकते हो में एंटीना डाला जा रहा है। तो सबसे ज्यादा लोग कौन कौन से पीस खाना पसंद करते हैं यहाँ पे? चाप है, नली है, चीना है, चुस्ता भी रहता है। हाँ चुस्ता भी है, चुस्ता भी खाते हैं। चुस्ता क्या होता है? ये बकरे का अंदर में रहता है, अंदर का मांस है। भैया तो काफी छोटा चुस्ता है, लोग तो बड़े बड़े चुस्ते भी देते हैं। चुस्ता इतना ही बड़ा रहता है। ये हो गया आपका सीना चाप, ये देखिए। तो ये आ गया नली का पीस। तो जैसा लोग डिमांड करते हैं वैसा पीस मिल जाता है। हाँ अच्छा बनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं। तो मटन पकने में अभी 10 मिनट है भैया, नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इसमें देसी घी डाल रहे हैं, ऊपर से फिर थोड़ा सा ग्रेवी ही देसी घी का रहता है भैया। ग्रेवी देसी घी का रहता है। तो भैया नेक्स्ट क्या डाल रहे हैं? ए काली मिर्ची है। तो भैया डालने का स्टाइल तो बहुत बढ़िया आपका। हाँ नया स्टाइल है अपना। अच्छा नया स्टाइल है। जी जी, काली मिर्च डालने का स्टाइल एकदम बहुत ही बढ़िया भैया का। तो भैया हमारा मटन तैयार, अब जो खाएंगे मस्त हो जाएंगे एकदम। हमारे कस्टमर लोग अभी से बैठे हुए हैं खाने के लिए, वेट भी करते हैं। कोई कोई एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी बैठ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारा मटन तैयार हो चुका है भैया, अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब देखे तो यहाँ पे एक एक करके लोगों के ऑर्डर लगाए जाएंगे। तो हमारा मटन अट्टे बन के रेडी हो चुका है, इसको प्लेट में यहाँ पे लगाया जा रहा है। ये सीना चाप है। और नेक्स्ट कौन सा डाल रहे हैं? नली है। ये आगे नली का पीस। तो हमारा देखते मटन की प्लेट यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है और साथ में आ गई ग्रेवी। तो भैया साथ में लोग रोटी पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं? रोटी चावल जो भी पसंद करते हैं मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको राइस मिल जाएगा खाने के लिए, रोटी मिल जाएगी, जो भी चीज बनती है सामने बनती है, लाइव बनती है। तो गर्मा गर्म रोटी को देख सकते हैं यहाँ पे तवे पे सेका जा रहा है। चावल मिल जाएंगे, चावल देख सकते हो एकदम बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो भैया क्या क्या आइटम मिलेगी यहाँ पे? यहाँ लहर का दाल ही है, ये आलू पत्ता गोभी का सब्जी है। आलू पत्ता गोभी नेक्स्ट आइटम क्या है? ये लौकी आलू है, चना भी मिक्स है, ये आलू का भुजिया है। आलू का भुजिया? आलू का भुजिया है। सलाद आ गया, आगे सलाद चिप्स देते और आगे पापड़। तो मैंने सुना धोनी जी का घर भी पास में है यहाँ पे। हाँ मेरा फर्स्ट वाला प्लॉट है, उनका लास्ट वाला प्लॉट। तो अभी उन्होंने भी खाया होगा मटन अट्टे? नहीं वो आए तो नहीं है। हम चाहते हैं कि वो एक बार आ जाए, छाती चौड़ा हो जाए। और एक हेमंत भैया, हेमंत सोरेन। अच्छा। हमारे जो मुख्यमंत्री है। नमस्कार भैया, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रवि हुआ, पटना बिहार से रांची वर्किंग में आता हूँ। लास्ट 2 साल से मतलब रांची आ रहा हूँ। यहाँ पर मटन काफी अच्छी क्वालिटी का मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेश मिलता है और हाइजेनिक रहता है, हाइजीन मेंटेन रहता है। तो आप लोगों को रिकमेंड करोगे यहाँ पे आने के लिए? जी मैं और बहुत सारे अपने कलीग्स को भी रिकमेंड किया। तो फाइनली रांची का सबसे फेमस मटन अट्ठे लग के यहाँ पे रेडी हो चुका है। 3 पीस मटन के हैं, साथ में रोटी मिली है, चावल मिले हैं, पापड़ मिले हैं, हमें मिर्ची मिली है और सैलेड मिला है। यहाँ की खास बात ये रहती है कि आपको यहाँ पे पीस के हिसाब से नहीं, वजन के हिसाब से मटन मिलता है। और इसको हम ट्राई करेंगे यहाँ पे रोटी के साथ। तो मटन की रंगत देख के पता चल रहा है कि मटन जो है कितना अच्छा बना है। और साथ में आ गई ग्रेवी।
इनका जो मटन अट्ठे है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। बहुत जगह मटन खाया है बट देसी घी वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी जगह सरसों के तेल में बनाया जाता है। टाइमिंग क्या रहती है यहाँ? सुबह 11 बजे खोल देते हैं। तो हफ्ते में कितने दिन खुला रहता है ये? सारा दिन खुला रहता है। होटल का नाम और एड्रेस बता दीजिए। झारखंड में कहाँ पे? रांची में एक जगह है हरमू कॉलोनी, वहीं पे हरमू चौक पे, एकदम एग्जैक्ट हरमू चौक, बड़ा मैदान के जस्ट अपोजिट, माँ भोजनालय। अगर आप भी रांची विजिट कर रहे हो, बढ़िया मटन खाना चाहते हैं, आपको रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे आके एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। आजकल जिसकी प्राइस 1300 रुपए किलो आपको ये मटन मिलेगा। इस मटन को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।